सीतामढ़ी में जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग राहुल बाबा की सुनते नहीं, लालू एंड कंपनी क्या विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव की सरकार थी तो लालू जी ने बिहार के लिए केंद्र से कितनी राशि लाई। उन्होंने आम लोगों से पूछा क्या 370 हटनी चाहिए या नहीं। मैं सीतामढ़ी की धरती पर बोल रहा हूँ, कश्मीर भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा। गृह मंत्री ने कहा कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर सीतामढ़ी में माता जानकी के मंदिर का निर्माण होगा। बस यह एक ही काम बाकी रह गया है, देश और दुनिया में माता सीता की नगरी का आकर्षण होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जदयू कर सकते हैं। मैं आज सीतामढ़ी वालों को बता लालू जी भी आज भी आज करते हैं, करना ही चाहिए। परंतु मैं लालू जी आपको पूछने आया, बिहार के अंदर 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया, जवाब नहीं देते। मगर भैया मैं भी बनिए का बेटा हूं, जवाब लेकर आया हूं। सुनना चाहते हो क्या, सुनना चाहते हो ना? देखिए 2004 से 14 तक बिहार को 2,80,000 करोड़ दिया, कितना दिया था? अरे जोर से बोलो, कितना? 2,80,000। और मोदी जी ने वही 10 साल में 14 से 24 में 11,23,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी क्या ऊपर से कॉफी पिलाकर मोदी जी ने दो दो टीका लगाकर पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, इस वक्त उस वक्त ये तेजस्वी और राहुल बाबा कह रहे थे टीका मत लीजियो, ये मोदी टीका है, बीमार पड़ जाओगे। ये तो अच्छा है कि राहुल बाबा का बिहार वाले सुनते नहीं, सबने टीका लगा दिया। अब ये सबने पूरे भारत में टीका लगाया तो एक दिन रात को चुपके चुपके राहुल बाबा और उनकी बहन भी टीका लगा कर आ गई। पूछने आया, आपको जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? जरा जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? ये लालू एंड कंपनी विकास कर सकती है क्या? कर सकती है? इतेल पियान पिलावन लठिया घुमावन राज चाहिए? इससे भला होगा बिहार का? बिहार को आगे केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के युवाओं के हाथ में लाठी की जगह मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दिया है, सबसे सस्ता डाटा दिया है। और एक इंडी गठबंधन वाले लाल टेन युग में फिर से ले जाने चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा सीतामढ़ी वालों, कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे भाई, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक पार्ट ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी, लालू एंड कंपनी 70 साल तक धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिला दी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और लालू बाबा कहते थे 370 मत हटाओ। मैंने बोला क्यों न हटाए? तो कहते थे वहां खून की नदियां बह जाएंगी। अरे लालू बाबा, 5 साल हो गए राहुल जी, 5 साल। मैं आपको बताना चाहता हूं,
सीतामढ़ी वालों, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर इसकी शिक्षा व्यवस्था, इसकी स्वास्थ्य की सुविधाएं, हर घर में नल, हर घर में जल, हर घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में 5 लाख का इलाज, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं फिर से एक बार कहकर जाता हूं, लालू जी को पूछना, इतने साल हुए पुनौरा धाम के लिए क्या किया? मैं कहकर जाता हूं, पूरी दुनिया आए ऐसा धाम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, और हमारे जनकपुर को, हमारे सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़ने का काम भी नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, रीगा का चीनी मिल बहुत बड़ा था, अंग्रेजों के जमाने से रीगा की चीनी हमारे गुजरात तक आती थी, 5 साल से बंद पड़ी है। मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट शुरू किया है, रीगा का चीनी मिल चालू करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी। और भाइयों बहनों, अब इसमें इथेनॉल भी बनेगा, चीनी भी बनेगा, गुड़ भी बनेगा, और इसका मुनाफा सीधा रीगा के किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। फारूक अब्दुल्ला, हमें डराते कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर मत मांगिए, उनके पास अटल बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए पाकिस्तान से के अटल बम से, ये तो 130 करोड़ का महान भारत है, किसी से नहीं डरता। मैं आज सीता माता की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम वो लेकर हैं। भाइयों बहनों, ये पूरे बिहार और झारखंड में कांग्रेस के राज में नक्सलवाद हुआ करता, मोदी जी आए, विगत 5 साल में ही बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आतंकवाद समाप्त हो गया, नक्सलवाद समाप्त। थोड़ा बचा कुचा है, मेरी मोदी गारंटी सुनकर रखो, 2 साल में छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को भी हम समाप्त कर देंगे, समाप्त। भाइयों बहनों, यहां की बॉर्डर सुरक्षा, नेपाल की बॉर्डर पर अभी एंक्रोचमेंट हो रहा है, मैं आपको बताकर जाता हूं, नेपाल की बॉर्डर को सुरक्षित करना ये अगली सरकार में नरेंद्र मोदी का प्राइम एजेंडा है, प्राइम एजेंडा। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब हमारे सीतामढ़ी के लिए मोदी जी ने 6 सारे काम किए, 700 करोड़ से शिवहर, सीतामढ़ी, जयनगर, नरैया 2 लेन सड़क का निर्माण किया, सीतामढ़ी पुपरी बेनीपट्टी में 55 किलोमीटर की सड़क बनाई, जामरा नदी पर सुपोना भीर बन रहा है, सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज बनाया, सीमावर्ती इलाकों में सड़क का निर्माण जारी है, मुजफ्फरनगर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी दरभंगा, सीतामढ़ी रक्सौल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ, पुनौरा धाम को फिर से विकसित कर रहे हैं, मैसूर से बाजार समिति रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया, 1,73,000 लोगों को घर दिया, 2,50,000 लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, और 3 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन, 6 लाख लोगों को मुफ्त अनाज, 5 लाख लोगों को नल से जल, और 2 लाख किसानों को
किसान सम्मान निधि देने का।